हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक ए चैप्टर अपना ऑलरेडी चल रहा था जो है मार्केटिंग जो उसका मैंने दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है जिन बच्चों ने अभी भी मैंने दो पार्ट्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है वो पहले दोनों पार्ट देखे उसके बाद ही थर्ड पार्ट पे डायरेक्ट जंप लगा है। देखो ये अपना लास्ट पार्ट है नॉट ओनली दिस चैप्टर्स बट आपके ट्वेल्थ ओसी का पूरा ओसी मैंने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके सब चैप्टर्स के सब पार्ट्स रिव्यू कर सकते हो ठीक है चलो शुरू करते हैं लास्ट चैप्टर्स का लास्ट पार्ट आपके ट्वेल्थ ओसी का फंक्शन ऑफ मार्केटिंग जो एग्जाम्पल मैंने तुम दोनों को बोल दिया था फाइव स्टार क्वेश्चन है कि क्या क्या रोल है फंक्शन है, किसके कि कि मार्केटिंग के सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट द इफेक्टिव मार्केटिंग आई होप यू नो वेरी वेल विदाउट बिजनेस रन ही नहीं चक विदाउट मार्केटिंग बिजनेस रन ही नहीं कर सकता मार्केटिंग डील विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर मार्केटिंग फंक्शन हेल्प टू स्टडी द नीड ऑफ द कंज्यूमर एंड फैसिलिटेड टू सैटिस्फाई इट फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन्स ऑफ मार्केटिंग पहला ही है मार्केटिंग रिसर्च

क्या करना है कस्टमर का व्यूज देखना है रिसर्च करना है उस उसपे डेवलपमेंट करना है डेटा कलेक्ट करके उस उसपे एनालिस बट मार्केट एनालिस एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प इन असेसमेंट ऑफ द नीड इन द मार्केट इट हेल्प्स टू फाइंड आउट वॉट डू कंज्यूमर वॉट टू बाय वेन टू बाय कंज्यूमर बाय इन वॉट क्वांटिटी या तो क्वालिटी दे वॉन्ट टू बाय एंड एट अ वॉट प्राइस देखो अपने को रिसर्च करने का मेन गोल यही होता है कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कौन सी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या प्राइस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इज नथिंग बट मार्केटिंग मार्केटिंग रिसर्च हेल्प टू टेक द वरियस डिसीजन रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट सेकेंड हो जाएगा बाइंग एंड असेंबलिंग इट इन्वॉल्व द कलेक्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एट अ वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन दिस फंक्शन इज ए इम्पॉर्टेंट एज अ क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द रो मटीरियल डिटरमाइन द कॉस्ट एंड क्वान्टिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट देखो अपने को कितने सस्ते में रो मटीरियल गुड क्वालिटी के मिल सकते हैं वो अपना डिसाइड करेगा अपना फाइनल गुड्स का भाव क्या होगा अगर सपोज की गुड क्वालिटी हाई प्राइस में मिल रही है तो ऑफकोर्स फाइनल प्रोडक्ट भी कस्टमर को महंगाई गिरेगा तो आपको हमेशा एनालिसिस करना है और बेस्ट जगह पर क्या करना है देखना है कि भाई कहाँ से मुझे कम भाव में बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल मिल सकते हैं उसको असेंबल करना है फिनिश गुड बनाना है और क्या करना है बेचना है कस्टमर को थर्ड फंक्शन हो जाएगा मार्केटिंग का मार्केटिंग प्लानिंग ऑफकोर्स आपको प्लानिंग करना है क्या आपके ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव पे काम करना है नथिंग बट मार्केटिंग का मेन मोटो यही होता है कंज्यूमर ओरिएंटेड कंज्यूमर क्वालिटी गुड्स बनाना है आफ्टर असिस्टिंग द नीड ऑफ मार्केटिंग बिजनेस नीड टू चौक आउट द मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजी टू अचीव द डिजाइर ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएटिव स्ट्रैटेजी टू अचीव दैम इट इज एन कॉम्प्रीहेंसिव ब्लू प्रिंट देट विल हेल्प्स टू ड्रॉ आउट आउटलाइन ऑफ द बिजनेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स फिफ्थ फोर्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय मार्केटिंग करने का मेन यही ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर अगर बोर हो रहे हैं आपके गुड्स बाय करके तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ डेवलपमेंट लाना है कुछ चेंज लाना है या तो कोई नई वेराइटी के क्या लाना है आपको गुड्स लाने हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट देर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट यूट द नीड ऑफ द कस्टमर प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूडिंग द डिजाइन रिलेटेड टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड शेप डिजाइन पैकिंग कलर एटेस्ट्रा ऑफ द प्रोडक्ट ज अ बेटर एंड अट्रेक्टिव डिजाइन प्रोडक्ट गुड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट गिव्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू द बिजनेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अंटीन्यूअस प्रोसेस एज टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम मैंने का एग्जाम्पल दिया था कि भाई अगर आप एक ही पिज्जा बना रहे हो खाली फॉर एक्जाम्पल पनी मखनी बना रहे हो तो आपके गुड्स या तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर एक बार बाइक करेगा दो बार खाएगा तीन बार खाएगा एक बार बाद एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा सेटिसफाई हो जाएगा और बोर हो जाएगा तो आपको हमेशा वेराइटी ऑफ चेंजेस लाने हैं जो भी प्रोडक्ट के अंदर जो भी गुड्स के अंदर आप डील कर रहे हो उसके अंदर फिफ्थ हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग टू डिटरमाइन द द स्टैंडर्ड रिलेटेड साइज प्राइस सॉरी प्रोसेस साइज क्वालिटी डिजाइन वेट कलर एटेक्स्ट्रा ऑफ द प्रोडक्ट इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग द यूनिफॉर्मिलिटी इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इट हेल्प्स इन अचीविंग द कस्टमर लॉयल्टी टू द प्रोडक्ट एंड ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड टू द क्वालिटी ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स लाइक साइज शेप क्वालिटी एटेस्ट्रा जनरली ग्रेडिंग इज डन इन केस ऑफ द एग्रीकेचर प्रोडक्ट लाइक वीट राइस पोटेटो एटेक्स्ट्रा नथिंग बट स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग आपको अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है और वो ब्रांड का लोगो वहाँ पर लगाना है कि भाई आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या हो डिफरेंशिएट क्रिएट करके दे और अलग इमेज क्रिएट करके दे नेक्स्ट हो जाएगा पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ कोर्स मार्केटिंग एक का नेक्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा अभी ये भी फैसिलिटी क्या करता है प्रोवाइड करता है पैकेजिंग मतलब क्या करना है आपको गुड्स को रैप करना है और प्रॉपर पैकेट करना है और लेबलिंग का मतलब नथिंग बट आपको क्या करना है अपना लोगो लगाना है पैकेज एंड लेबल क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट एट्रेक्टिव पैकेजिंग एंड लेबल कैन हेल्प टू मेक अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल अपन देखते हैं मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि भाई गुड्स के अंदर कुछ नहीं होता है डब्बे के अंदर कुछ नहीं होता है बट डब्बा इतना अट्रैक्टिव है कि भाई कस्टमर क्या हो, हो जाता है अट्रैक्ट हो जाता है पैकेजिंग मीन्स अ डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट इट हेल्प्स टू अवॉइड द ब्रेकेज डेमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट पैकिंग मटीरियल इंक्लूडिंग बॉटल कंटेनर प्लास्टिक बैग ट्वीन वुडन बॉक्स जूट बैग बबल बैग पैकिंग फॉर्म एटेक्ट्रा लेबल इज अ स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर दीप स्लिप ऑन विज दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड इज कॉल्ड एज लेबल एंड इट्स इज कॉल्ड एज अलिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट बट ऑल्सो टू एक्ट एज अफेक्टिव टूल ऑफ द मार्केटिंग लेबलिंग इज नथिंग बट आप कोई भी ऐसा लेबल लिख रहे हो लगा रहे हो प्रोडक्ट के ऊपर आप बट आप क्या दे रहे हो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इज नथिंग बट लेबर ले नेक्स्ट हो जाएगा ब्रांडिंग एवरी बिजनेसमैन वॉन्ट्स टू हैव अ स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर विच इज प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ स्पेशल आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट थ्रू अ यूनिक ब्रांड नेम इन अ डिफरेंट इन फ्रॉम द कंपनी प्रोडक्ट कोई भी हो रिलायंस हो टाटा हो वो अपना प्रोडक्ट चाहेगा कि अपना ब्रांड उस पर लगे अपना लोगो अपने लगे क्योंकि वो चाहेगा कि अपना ब्रांड दूसरे ब्रांड से क्या हो अलग हो और कस्टमर क्या हो एट्रेक्ट हो सके और पहचान सके भाई दिज आर द ओरिजिनल गुड्स दिज आर द डुप्लीकेट गुड्स इन सिंपल वर्ड गिविंग ऑफ द डिस्टिंग नेम टू वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ ब्रांडिंग रजिस्टर्ड ब्रांड आर ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपीड ब्रांडिंग हेल्प्स टू गेट द रिकॉग्निशन अमंग्स द कस्टमर इट कैन हेल्प्स टू गेट न्यू बिजनेस एंड इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट सिक्स सॉरी एट पॉइंट हो जाएगा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आपको ये वाली फैसिलिटीज भी देनी है अपने कस्टमर को कि भाई जरूरी नहीं कि अपना गुड्स इतना अच्छा ही हो कि को कोई प्रॉब्लम आए ना नहीं एवरी प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आती है ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर आपको अपना बेस्ट सर्विसेज जो है आफ्टर सेल सर्विसेज क्या करना है देना है अपने कस्टमर को कस्टमर इज किंग ऑफ द मार्केट हैंस बिजनेस नीड टू टेक अ नेसेसरी स्टेप फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर बिजनेस नीड्स टू टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज टू द कस्टमर टाइमली सपोर्ट सर्विसेज हेल्प्स टू गेन द कस्टमर लॉयल्टी अगर कस्टमर का ट्रस्ट जितना है आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो कोई ऐसा नहीं कर रहे हो बट आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो वो भी टाइमली दे रहे हो दिज आर द गुड थिंग ऑन द माइंड ऑफ द कस्टमर द बिजनेस कैन प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज लाइक अ प्री सेल सर्विसेज कस्टमर हेल्पलाइन नंबर आफ्टर सेल सर्विसेज टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्ट डेमो एट एक्स्ट्रा टू द कस्टमर दिस सर्विस हेल्प्स इन गेटिंग रेंटिंग एंड ग्रोविंग द कस्टमर नेक्स्ट है प्राइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट ए भाई कोई भी गुड्स का प्राइस वैसे ही हवा में डिसाइड नहीं होता है कोई भी गुड्स का भाव नक्की होता है डिमांड डिपेंड करेगा कि अपने को कितने में गुड्स पड़ रहा है मतलब रॉ मटेरियल पड़ रहे हैं मार्केट के अंदर उसका क्या फेयर प्राइस है अगर अपना उससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी दे रहे हो तो अपन कितना मार्जिन ऐड कर सकते हो वो सब फैक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर करके क्या करता है प्राइस क्या करता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट की क्या है, होती है प्राइस डिसाइड होती है प्राइस इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग मेनी टाइम्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट प्राइजिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मार्केट वेर एज देर इज अ कट श्रॉट कॉम्पिटिशन वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट बिजनेस मैन नीड्स टू कंसिडर द फैक्टर लाइक कौन से कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना है कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट डिमांड ध्यान में रखना है मार्केट कंडीशन ध्यान में रखना है ये सब चीजों को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है बिफोर डिसाइडिंग प्राइस ऑफ द एनी गुड्स बिजनेस नीड्स टू चेंज द प्राइज एज पर द नीड ऑफ द मार्केट इफ प्राइज आर टू हाई इट माइट लॉस द कस्टमर बट इफ प्राइज आर टू लो इट माइट सफर अ लॉस सो डिसाइडिंग द राइट प्राइज नीड एक्सेंटिव एक्सटेसिव मार्केट रिसर्च सॉरी नेक्स्ट है प्रमोशनल चैनल प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट कंज्यूमर अबाउट अ प्रोडक्ट देयर फीचर्स यूज प्राइस एटेक्स्ट्रा एंड एनकरेज देम टू बाय दिस प्रोडक्ट प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई ग्रूड्स नए लॉन्च कर रहे हो उसके बारे में उसके क्या फीचर्स है क्या प्राइस पे आप क्या कर रहे हो बेच रहे हो क्या क्वालिटीज है इसके अंदर क्या खासियत है क्या नया प्रोडक्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया और कौन सी नई चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटर से अलग है इज नथिंग बट प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट पर्सनल सेलिंग पब्लिसिटी एंड सेल प्रमोशन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ प्रमोशन बिजनेस यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल और सम ऑफ दिस फोर मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रमोशन एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटी हेल्प्स टू इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों का मतलब सेम ही होता है खाली थोड़ा चेंजेस से देखते अपन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज अ कंसर्न विद द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कस्टमर इट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही क्या है ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वाइडर कंसेप्ट ट्रांसपोर्टेशन इज अ स्मॉलर कंसेप्ट वेयर हाउसिंग मटीरियल हैंडलिंग इन्वेंट्री कंट्रोल ऑर्डर प्रोसेसिंग मार्केट फोरकास्टिंग पैकेजिंग प्लांट एंड वेयर हाउसिंग लोकेशन कस्टमर सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट फॉर मेजर पार्ट ऑफ द मार्केटिंग बजट ऑफ द बिजनेस इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन डिजायर मतलब डिजायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सब चीज़ें क्या होती है इंक्लूडिंग होती है बट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खाली एक ही चीज़ इंक्लूडिंग होगी जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू कस्टमर इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स सॉरी ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन बट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेजर और वाइडर पार्ट इट्स इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन मतलब बॉटम ऑफ द लाइन क्या बोलना चाहता हूं डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वाइडर कंसेप्ट ट्रांसपोर्ट इज अ स्मॉलर कंसेप्ट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री की बात कर रहा है यहाँ पे टू द प्लेस ऑफ कंजन मतलब कंज्यूमर की बात कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिज गुड्स एज वेल एज ऑफ रॉ मटीरियल प्रोडक्शन सेल एंड कंजम्पशन ऑल द थ्री एक्टिविटी नीड नॉट बी एट अ वन प्लेस हैज देर इज नीड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जरूरी नहीं है कि सपोज के फैक्ट्री कहाँ पे है अपना रॉ मटेरियल उधर पड़ा है दूसरी फैक्ट्री के अंदर कस्टमर मार्केट वहाँ पे तो ये सब चीज़ें अलग अलग जगह पे है तो ये सबको मूवमेंट करने के लिए गुड्स को अपने को किसकी जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है इसलिए इसको कौन सा यूटिलिटी बोला है प्लेस यूटिलिटी भी बोला है प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएट बाय द ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी एनालिसिस ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्रीज नेचर ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट टारगेट मार्केट स्पीड रिलेटेबिलिटी फ्रीक्वेंसी सेफ्टी अटेक्ट हेल्प इन डिसाइडिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रोड एयर वाटर रेलवे पाइपलाइंस आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन यूज बाय द दिजनेस और लास्ट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का होगा <coughs> जो है वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग इज नथिंग बट आपका गोडाउन बोल सकते हो आप देर इज अ टाइम लाइक बिटवीन द परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल इट इज अ इंपॉर्टेंस टू स्टोर द गुड्स एट अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम लाइक एनी नेग्लीगेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड मे डैमेज द स्टॉक वेयर हाउस हैज द मेनटेन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी प्राइस इन द मार्केट फंक्शंस ऑफ वेर हाउसिंग इज परफॉर्म बाय द रिटेलर होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनुफेक्ट क्रिएटेड टाइम यूटिलिटी कहा ना कहा डिमांड और सप्लाई को कवर करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका होता है उसका वेयर हाउसिंग का रोल होता है तो दीज आर द नथिंग बट आपके क्या हो जाएंगे फंक्शंस हो जाएंगे किसके मार्केट टिंग रिपीट करेंगे वनस अगेन कि क्या क्या फंक्शंस है पहला फंक्शन दिया है मार्केटिंग रिसर्च सेकेंड दिया है बाइंग एंड असेंबलिंग थर्ड है मार्केट प्लानिंग फोर्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट फिफ्थ है स्टैंडर्डाइजिंग ग्रेडिंग सिक्स है पैकेजिंग एंड लेबलिंग नेक्स्ट ब्रांडिंग नेक्स्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विस नेक्स्ट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रमोशनल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग तो दीज आर द इंपोर्टेंस या तो सॉरी फंक्शन या तो रोल ऑफ रोल भी बोल सकते हो आप रोल ऑफ मार्केटिंग भी बोल सकते हो आप यस अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है है अपना मार्केटिंग मिक्स चलो शॉर्ट नोट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर मतलब कितना इंपॉर्टेंट सेवन स्टार कर दो यहाँ पे एवरी पास के लास्ट पांच छह साल का पेपर पकड़ो सर ये तो नया पोर्शन है पांच छे साल की बात करो तो भी ये वाला पोर्शन का पार्ट था उसके अंदर भी और सिलेबस के अंदर और एवरी सिलेबस के अंदर एवरी एग्जाम के अंदर इन्होंने मार्केटिंग मिक्स का क्या पूछा शॉर्ट नोट पूछा है तो सेवन स्टार क्वेश्चन छोड़ के जाना मत ठीक है चलो वॉट यू मीन माई मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हैं देखो मार्केटिंग इज नथिंग नथिंग बट सिंपल वर्ड बोलने जाओ तो राइट प्रोडक्ट एट अ राइट प्लेस एट अ राइट प्राइस इज द मार्केटिंग मिक्स बॉटम ऑफ द लाइन यही है मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल फॉर्म ब्लैंड का मतलब होता है मिक्सचर एंड कंट्रोल टू अचीव द डिजायर रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट इन सिंपल वर्ड मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्राइस, इन द राइट प्लेस जो मैंने तुम लोग को अब जस्ट बोला उसका मतलब इज नथिंग बट मार्केटिंग मिक्स इट इज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग द फोर पीस मतलब फोर पीस कौन सा है मार्केटिंग मिक्स ए वेर इंट्रोड्यूस बाय द ई जर्मोन मैकेट्री इन द नाइनटीन सिक्सटी इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाई द बुम्स एंड बिटनर इन नाइनटीन एटी वन बाय एडिंग थ्री न्यू एलिमेंट्स ऑफ टू द फोर पीस ऑफ प्रिंसिपल मतलब टोटल कितने पी हो जाएंगे सेवन पीस हो जाएंगे फोर किससे दिए थे ऑलरेडी ई जर्नोम ने दिया था और उसके बाद बुम्स ने और बिटनर ने और थ्री पीस को क्या कर दिया इंट्रोड्यूस कर दिया था देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स दट इज फोर पीस एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स एंड सेवन पीस फोर पीस आर द की फैक्टर दैट इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज देर आर द प्रोडक्ट फर्स्ट पी सेकेंड पी हो जाएगा प्राइस थर्ड प्लेस और फोर्थ हो जाएगा प्रमोशन पहला प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज नथिंग बट गुड्स बोल सकते हो आप जो टेंजिबल गुड्स हो सकता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिफर्स टू द गुड्स और सर्विज देट आर ऑफर टू द कस्टमर फॉर अ सेल और एंड आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर द प्रोडक्ट कैन बी इनटेंजिबल और टेंजिबल एज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विस और गुड्स द बिजनेस नीड टू बी ए डिसाइडेड द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू अ एक्सटेंशिव मार्केट रिसर्च सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर देखो प्रोडक्ट दो हो सकता है टेंजिबल और इनटेंजिबल टेंजिबल मतलब गुड्स और इनटेंजिबल मतलब सर्विस आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पे भाई आप कौन से टाइप का गुड्स बना रहे हो और कस्टमर को क्या कर रहे हो सैटिस्फाई कर रहे है? हो नेक्स्ट होता है प्राइस कितना रखना है वो बहुत बड़ा डिसीजन है मैनेजमेंट के लिए उसको सब फैक्टर सब एंगल को देख के बाद में क्या करना है प्राइस को डिसाइड करना है द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली अमाउंट डेट द कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट प्राइस प्ले अम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट द बिजनेस नीड टू टेक द अटमोसकेयर टू डिड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू पे फॉर द प्रोडक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइजिंग द प्रोडक्ट टू हाई प्राइस मे अफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड प्राइज टू लो मे अफेक्ट द प्रोफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस जो ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ा था वाई डिडिंग द प्राइज द वेल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू हिस कस्टमर आर टू बी कंसीडर आप ज्यादा प्राइस भी नहीं रख सकते हो अगर ज्यादा प्राइस रखोगे तो डिमांड कम हो जाएगी और कम भाव रखोगे तो कहा नागा का प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी पड़ेगी आपको थर्ड पी कौन सा है प्लेस प्लेस इज नथिंग बट जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगी उसको बोलेंगे प्लेस प्लेस इज ऑल्सो नो इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मार्केटिंग अ राइट प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस इज नॉट इनफ बिजनेस मैन नीड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू अ पोटेंशियल कस्टमर एट अ राइट प्लेस टू बिजनेस नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इन अ प्लेस दैट इज असेंसेबल टू द पोटेंशियल बायर इट कवर द लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वे ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर बेटर द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हायर द कवरेज ऑफ द प्रोडक्ट इन अ मार्केट सर ये क्या बोलना चाहता है नहीं समझ में देखो राइट प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस इज नॉट इनफ आपको प्लेस भी चूज करना है सपोज कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा गुड्स बेच रहे हो जो लग रहा है कि ये लोकेलिटी को सूट ही नहीं कर रहा है इवन तो आप कम भाव रखोगे तो भी इतना कमाओगे नहीं मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको लोकेलिटी कम्युनिटी को डिसाइड करके वो जगह पे क्या करना है आपको क्या करना है बिजनेस रन करना है नेक्स्ट हो जाएगा प्रमोशन प्रमोशन इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग एज इट क्रिएट अ ब्रांड रिकेशन एंड सेल Promotion is a tool of marketing communication which helps to publishes the product to the customer it helps to convey the product features to the potential buyer and including them to buy it promotion mix including the tools such as advertising direct marketing sale promotion personal selling etc combination of promotion strategy depends on the budget the message of business wants to communicate and target मार्केट प्रमोशन का मतलब नथिंग बट आप एडवर्टाइजिंग भी, भी बोल सकते हो आपको एडवर्टाइजिंग ऐसा करना है पहले अपने आपको डिसाइड करना है कि अपने पास इतना फाइनेंस पड़ा है कि भी नहीं अगर आपके पास इतना फाइनेंस नहीं अवेलेबल है तो आपको देखना है कि आप कम से कम प्राइस में कैसे कस्टमर अवेयरनेस कर सकते हो और अपना एडवर्टाइजिंग क्या कर सकते हो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कर सकते हो तो अब फोर पीस ऑफ मार्केटिंग आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स इन एडिशन टू द फोर पीस कस्टमर oriented सर्विस मार्केटिंग देर आर थ्री मोर पीस आर टेकन इन टू कंसिडर नेमली पीपल फिजिकल एनवायरमेंट एंड प्रोसेस पीपल देखो आपके बिजनेस को अंदर दोनों पीपल को कंसिडर करना है पीपल्स मतलब ह्यूमन बींग मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल कौन हो सकते हैं एम्प्लॉय स्टाफ हो गया और एक्सटर्नल कौन हो जाएगा अपने कस्टमर को दोनों को एंगल को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या करना है अपने आप को क्या करना है सर्व करना है पीपल इनसाइड और आउटसाइड बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस पीपल कंप्राइजेस ऑफ द होल ह्यूमन बींग प्ले अट्रैक्टिव रोल इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर द पीपल इंक्लूडिंग टू डिलीवर द सर्विसेज टू द कस्टमर right people at a right place add the value to the business for the success of the business it necessary to recruit right people train them develop their skill and retain them देखो आपको staff के अंदर अपने company के अंदर भी right person को क्या करना है चूज करना है सर right person को choose करना मतलब वो क्या हो कैपेबल हो कि जब भी डिमांड बढ़ जाए वो प्रोडक्शन को क्या कर रहे डिस्ट्रीब्यूशन को मार्केट के अंदर क्या कर रहे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते क्या कर सकते हो डिमांड को क्या कर सकते हो इजीली क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मतलब डिमांड एंड सप्लाई को क्या कर सकते हैं फुलफिल कर सकते हैं वैसे पर्सन को क्या करना है आपको अपॉइंट करना है ट्रेन करते रहना है प्रोसेस प्रोसेस रिफर्स टू द स्टेप इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द क्वालिटी सर्विसेज गुड प्रोसेस हेल्प टू एंश्योर अ सेम स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विसेज टू द कस्टमर एज वेल एज सेम टाइम एंड मनी बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी हेल्प द बिजनेस इन इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस एंड टेक अ करेक्टिव एक्शन द नेसेसरी प्रोसेस इज नथिंग बट आप जो भी प्रोसेस चूज कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो प्रोसेस को आपको क्या करना है देखना है ध्यान से जहां पे आपको लूप लूपोल्स लग रहे हैं उसको में क्या करना है सुधार करना है मतलब वो चीजें फ्यूचर में ना हो उस पर क्या करना है काम करते रहना है मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको डिमांड और सप्लाई को दोनों को क्या करना है स्टेबलाइज करके रखना है मालूम गिरा कि आज सपोज कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज फॉर एग्जांपल डिमांड आ रहा है मार्केट से और आप 10 दिन के बाद सप्लाई कर रहे हो तो इज नॉट डिमांड एंड सप्लाई स्टेबलाइजेशन आपको जो भी प्रोसेस चूज कर रहे हो फास्ट करना है और क्वालिटी प्रोसेस क्या करना है चूज करना है और लास्ट हो जाएगा फिजिकल मैन मतलब आपको वैसा कोई गुड्स या तो सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करना है कि फिजिकल एनवायरमेंट को क्या हो नुकसान हो यस फिजिकल एनवायरमेंट रिफर्स टू द मार्केटिंग एनवायरमेंट वेयर इन द इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड फॉर्म सर्विस आर इन इन अ टेंजिबल नेचर सर्विस प्रोवाइड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सर्टन टेंजिबल एलिमेंट इन टू दे ऑफरिंग टू द एनहांस द कस्टमर एक्सपेक्टेशन इन द सर्विस मार्केट द फिजिकल एविडेंस इज अ इंपॉर्टेंस टू एंश्योर दैट द सर्विस इज सक्सेसफुली अक्से थ्रू अ फिजिकल एविडेंस कस्टमर नो द ब्रांड लीडर इन द मार्केट फिजिकल एंड एविडेंस अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इट इंक्लूडिंग लोकेशन लेआउट इंटीरियर डिजाइन पैकेजिंग ब्रांडिंग ड्रेस ऑफ द स्टाफ एंड हाउ दे कैन दे एक्ट वेटिंग एरिया एटेक्ट्रा देखो ये सब चीजें सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत डिसाइड होती है क्योंकि तो सर्विस सेक्टर के अंदर आपको फिजिकल एन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होटल्स के अंदर आप अगर होटल्स का फिजिकल एनवायरमेंट देखोगे उसके बाद ही आप क्या करोगे प्रीफर करोगे मैं जाऊँ कि की ना जाऊँ अगर इतना कुछ वाव नहीं है और अपने को इतना कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है तो कस्टमर आपके सर्विस ट्राई करेगा नहीं आपके होटल में आना प्रीफर नहीं करेगा तो सर्विस सेक्टर के लिए फिजिकल एन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है ध्यान में रखनी है तो ये हो जाएगा आपके फोर पीस ऑलरेडी दिया था उसके अंदर तीन पीस ऑलरेडी नए इंट्रोड्यूस किया था इसके अंदर किसके अंदर मार्केटिंग मिक्स के अंदर तो वन सेकेंड रिपीट करोगे कौन सा कौन सा हो गया प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन उसके बाद थ्री पी ऑलरेडी ऑल्सो इंक्लूड किया था जो इंपॉर्टेंस था पीपल प्रोसेस और फिजिकल एनवायरमेंट तो यहाँ पे अपना एट चैप्टर्स ओवर होता है साथ साथ मेरा ओ का पूरा पोर्शंस ट्वेल्थ का यहाँ पे कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच आपने इतना इंटरेस्ट जता है हम लोग के चैनल पे अभी भी मेरे जो एस पी के है और ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम जो भी प्रोफेशनल कोर्स है मैं लाऊंगा वीडियो धीरे धीरे टिल टाइम आप प्लीज़ अपडेट रहिए और जिन बच्चों ने अभी भी क्लासेस नहीं किया है तो उन बच्चे को हम लोग का लिंक खाली फॉरवर्ड कर दीजिए उनको बोलो कि ये वाले चैनल पर आपको सब चीज़ें डिटेल में एक एक लाइन पढ़ाया जाता है आपको किधर भी क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आप प्लीज़ अपडेट रहना हम लोग के चैनल पे नए नए एजुकेशन के रिलेटेड हम लोग नए नए वीडियोस क्या कर रहे हैं लाते रहेंगे टिल टाइम थैंक यू सो मच आपका बहुत ध्यान रखें थैंक यू सो मच